आज का उन्वान है पाकिस्तान में ममनुआ जमातों से समझौता, नए बुहरान का पेश खीमा। और अब मुतालबा करते हैं हमारी जमात से भी पाबंदी को हटाया जाए। ठीक है और फोर्स रूल से लोग को निकाला जाए। ठीक है ये हमारा मुतालबा दुरुस्त है या सही नहीं है। हम उसे भी सराहते और ये मुतालबा भी साथ करते, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारे मुतालबे पर काम करे गए तो इसका मतलब है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो आपको कहेंगे निकलोगे, आओ तो आओगे, बिफड़ोगे, चलो तो चलोगे। पाकिस्तान में हुकूमत हर दिन एक दहशतगर्द तंजीम के सामने हथियार डाल रही है। अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ समझौते की खबरें अखबारात में नजर आ रही हैं कि इमरान खान के मरकजी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत और कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज फायर पर आमादा हो चुके हैं। वजीर इत्तलाआत चौधरी फवाद हुसैन ने कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुजाकरात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने इंटरव्यू में कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का तज़किरा किया था। इन मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है। फवाद चौधरी ने कहा कि एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर पर आमादा हो चुके हैं। जो मुज़ाकरात कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आईन और कानून के तहत होंगे। कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के आईन और कानून से बाहर मुज़ाकरात कर ही नहीं सकती। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की चंद दूसरी इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद जमातों जैसे अहले सुन्नत और जमात पाकिस्तान ने भी अपने ऊपर आयद पाबंदियों को हटाने का सख्ती से मुतालबा किया है। पेशकश आवाज़ दिवाइस उर्दू।